आज हम पढ़ने वाले हैं डिक्शनरी टाइप के डेटाबेस के बारे में और इसके जितने भी ऑपरेशन होते हैं सारे कुछ हम करके यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए डिक्शनरी के बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रो आपको पिछले एपिसोड में दे ही दिया था, बल्कि पूरा ही दे दिया था, लेकिन चलिए एक बार फिर से आपको रिकैप करा देते हैं सीरियल की तरह। तो डिक्शनरी इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ इन की वैल्यू पेयर्स इंक्लूड विद कर्ली ब्रैकेट्स। डिक्शनरी इज इम्यूटेबल, म्यूटेबल यानी कि डिक्शनरी में चेंज किए जा सकते हैं। और डिक्शनरी में जो है एलिमेंट दो तरह के होते हैं, की वैल्यू के पेयर होते हैं और उनको हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंतर्गत इस तरह के ब्रैकेट्स के अंतर्गत लिखते हैं। तो इसकी चलिए हम यहाँ पे एक कोडिंग कर लेते हैं ताकि डिटेल में आपको समझ आ जाए। तो हम एक डिक्शनरी का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसको हम शॉर्ट में डिक लिखेंगे और इसमें हम एक कर्ली ब्रैकेट्स बनाएंगे। इसमें हम यहाँ पे जो है कुछ वैल्यू लिख के की लिखेंगे। एप्पल नाम की हमने की बनाई, इसकी हमने एक वैल्यू दी 1000 और थोड़ी हमने इसको 500 वैल्यू दी, ठीक है ना। और नेक्स्ट हमने एक और की बनाई जिसका नाम हमने रखा समोसा, इसकी हमने एक वैल्यू दी 1000। और नेक्स्ट हमने एक की बनाई जिसका हमने नाम रखा ऑरेंज यानी कि, और इसकी मैंने एक वैल्यू दी 1500। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे तीन की वैल्यू के पेयर बना लिए। अच्छा, डिक्शनरी में एक चीज़ आप याद रखना कि जो आपको की बनानी है, जैसे मैंने की मैंने यहाँ पे ऑरेंज समोसा ऑरेंज एप्पल बनाया है, तो एक चीज़ याद रखें, ये जो की बनानी है उसमें कोई इम्यूटेबल चीज़ ही होनी चाहिए, यानी कि जो डेटा होना चाहिए वो इम्यूटेबल होना चाहिए। अब मैंने एप्पल रखा है, आप यहाँ पे इंटीजर भी रख सकते हो क्योंकि वो अभी इम्यूटेबल होता है, लिटरल्स होता है, तो ये चीज़ याद रखना। जबकि यहाँ पे बात की जाए वैल्यू के चक्कर में, जो यहाँ पे मैंने 500 हज़ार 1500 रखी है, तो इसमें आपको कोई भी डेटा टाइप आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रिंट कर देते हैं डिक्ट को और देख लेते हैं इसका टाइप क्या होता है। तो टाइप हम इसका भी देख लेते हैं, तो प्रिंट और टाइप डिक का देखेंगे। डिक जो है वेरिएबल है हमारा और इसको हम प्रिंट करते हैं। देख लीजिए, बता दिया कि डिक्ट यानी कि डिक्शनरी है। अब हम क्या करेंगे इसका, हम ये देखेंगे कि इसमें से हम कैसे की को निकालें और कैसे वैल्यू को निकालें। तो प्रिंट और डिक डॉट की हम फंक्शन चलाएंगे, ऑपरेशन चलाएंगे और ये हमारी की को निकाल देगा। देख लीजिए, इसने की को बाहर फेंक दिया है। इसी तरह हम यहाँ पे वैल्यूज को भी बाहर फेंकवा सकते हैं, तो वैल्यूज को भी यहाँ पे बाहर फेंक सकते हो आप इसी तरह। बस आपको डिक डॉट वैल्यूज कर देना है, वैल्यूज फेंक दी बाहर। अब मान लीजिए इसमें से आपको कोई भी की वैल्यू जानना है, तो आपको सिंपल सा यहाँ पे लिख देना है की डिक डॉट की। और यहाँ पे चलिए मैं सिंटैक्स पे व्यवहार देख लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिक और यहाँ पे आपको जब मान लीजिए किसी भी आपको की वैल्यू पता करनी है। अब आप कहोगे ये कौन सा बड़ा काम है, ये तो छोटा सा डिक्शनरी थी, इसमें देख लेते हैं इसमें पता करने की क्या बात है। ये तो आपने छोटा सा एग्जांपल देखा है डिक्शनरी का, बड़े बड़े एग्जांपल आप कंपनियों में देखोगे तो वहाँ पे तो डिक्शनरी इतनी बड़ी बड़ी डेटा होता है, उसमें आप देखोगे थोड़ी ना कि एप्पल इसमें आए, एप्पल की वैल्यू क्या है क्या नहीं है। तो उसके लिए सिंपल सा आपको देखिए डिक लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट खोल देना है, उसके अंतर्गत आपको की लिख देना है जिसकी आपकी वैल्यू पता करनी है, और लास्ट में फिर आपको स्मॉल ब्रैकेट से ब्रैकेट बंद कर देना है। उसने बता दिया एप्पल की जो वैल्यू है वो 500 है यानी कि 500 है। और इसमें बात कर लेते हैं एक नए टाइप की, हम यहाँ पे डिक्शनरी बनाते हैं और उसमें भी एक ऑपरेशन हम यहाँ पे चलाएंगे। तो डिक्शनरी हमें एक नई बना लेते हैं, इसमें मैं क्या करूँगा आपकी बार वैल्यू रखूँगा, इसमें मैं आपके मन के यही कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं ए मैंने एक बना लिखा और यहाँ पे जो हम आपकी बार जो वैल्यू लेंगे वो इस बार वैल्यू हम थोड़ा अलग टाइप की लेंगे, 1 2 3 लिख दिया। और इसे मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट जैसे ही मैंने इसमें देखिए एक ही की वैल्यू का पेयर लिया, ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि सिर्फ एग्जांपल आपको बताना है। और चलिए इसे प्रिंट करा देता हूँ, तो ए देखिए वही चीज़ प्रिंट हो चुकी है, ए हमारा की है, 1 2 3 लिस्ट के अंतर्गत हमारे वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए इसमें मुझे 2 प्रिंट कराना है, कैसे करेंगे। तो सिंपल सा है, बस आपको प्रिंट और वेरिएबल लिख देना है 2, और यहाँ पे आपको लिख देना है ए नाम का जो की है, ए नाम की जो की है, ठीक ना, वैल्यू आपको प्रिंट करानी है लिस्ट में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इंडेक्स पता करनी है, वैल्यू आपको 2 पता प्रिंट करानी है, 2 कितने इंडेक्स पर है लिस्ट में वैल्यू में, तो 0 1 1 इंडेक्स पर है। ध्यान दीजिएगा 0 से स्टार्टिंग होती है, पहले पिछले एपिसोड बता चुका हूँ। तो काउंट जब किया जाएगा वो 0 से काउंट किया जाएगा, 0 पर 1 है, 2 किस पे है, 1 पे, 1 इंडेक्स पर है। तो देखिए मैंने 1 इंडेक्स ही लिखा है। फाइनली मैं इसे प्रिंट कराऊंगा और देख लीजिए इसने 2 प्रिंट कर दिया है, तो इस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट सिंटैक्स देख लेते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन देख लेते हैं। अब मान लीजिए नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मुझे पता करना है, तो इसे मैं हटा देता हूँ और फिर से मैं एक डिक्शनरी बना लेता हूँ और वो थोड़ी बड़ी बनाता हूँ। तो वही चीज़ें फिर एप्पल
और वो 500 और समोसा और 1000 और यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ डिंक को, डिक को मैंने यहाँ पे प्रिंट किया। और जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रिंट किया तो यहाँ पे जो है एरर आया है, और एरर इसलिए आया है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाया, अब सही है ठीक है। तो छोटी छोटी गलती छोटी छोटी होती ही रहती हैं। तो यहाँ पे उस अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इन डिक्शनरी, अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे जांच करनी है कि को ये कि इसमें प्रसिद्ध प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, तो हम चेक करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि, तो हमें पता करना है क्या एप्पल इस वाले जो डिक्शनरी है इसमें की जितनी भी है उसमें एप्पल है, एप्पल इन कीच डॉट, और इस तरह से मैंने यहाँ पे सिंटेक्स देखी वही लगाया है नहीं, तो डिक्शनरी डॉट कीच ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैं इसे प्रिंट करूँगा तो एप्पल इन कीच इन डिक्स, हाँ गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पे गड़बड़ है तो इन डिक्शनरी डॉट कीच करना है, तो यहाँ पे डिक डॉट कीच ये यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। और अब देखिएगा इसने बता दिया ट्रू, यानी कि एप्पल जो है इस डिक्शनरी में की है ठीक है ना, तो उसने देखिए प्रिंट कर दिया, ट्रू कर दिया। इसी तरह से आप वैल्यू भी पता कर सकते हो कि ये वैल्यू स्टेशनरी में है या नहीं है, सिंपल सा आपको बस क्या करना है 500 लिख देना है, 500 के मतलब जिसका भी आपको चेक करना हो तो 500 बता देगा कि वैल्यू उसमें है या नहीं है, लेकिन आपको की जगह वैल्यू कर देनी है और ये जाँच करके बता देगा, ट्रू कर दिया, सही में प्रेजेंट है एप्पल की ये तो है। अब मान लीजिए मुझे इसके आइटम्स को अब मैं यहाँ पे आइटम इसके प्रिंट करना चाहूँ तो यहाँ पे वो भी मैं कर सकता हूँ, आइटम्स और प्रिंट डिक, बस प्रिंट कर दूंगा, इसने देखिए बता दिया, देखिए आइटम सारे प्रिंट कर दिए। अब मान लीजिए मुझे इसमें से सारी एलिमेंट को क्लियर कर देना है, तो क्लियर भी आप यहाँ पे कर सकते हो, तो यहाँ पे देखिए मैं क्लियर कर देता हूँ, पूरी डिक्शनरी को ही क्लियर हो जाएगी, यानी कि सब एलिमेंट अंदर के गायब हो जाएंगे, देख लीजिए गायब हो गए ठीक है। तो ये हमने ऑपरेशन करके देखे, और चलिए फिर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, और नेक्स्ट सिंटैक्स देखते हैं। नेक्स्ट मान लीजिए कोई हमने दूसरी डिक्शनरी बनाई, उसमें मुझे डिक्शनरी एक के ही सारे एलिमेंट चाहिए, तो वो भी आप कॉपी कर सकते हो बहुत ही अटैक से। तो कैसे कॉपी करना है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे डिक टू नाम की एक डिक्शनरी बनाई, हम क्या करें चाहते हैं कि डिक्शनरी जो डिक है उसके सारे एलिमेंट इसमें आ जाए, तो डिक डॉट कॉपी और प्रिंट करूँगा डिक टू को, क्योंकि डिक टू हमने नया वेरिएबल बनाया है ना, और एलिमेंट हमें चाहिए डिक के पहली वाली की कॉपी करना है ना। तो देख लीजिए इसने दूसरी जो डिक टू नाम की हमने एक वेरिएबल बनाया उसमें जो भी एलिमेंट प्रेजेंट थे डिक के उसने इसने कॉपी कर दिए दूसरी वाली डिक्शनरी में। तो इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट सिंटैक्स देखते हैं और नेक्स्ट यहाँ पे ऑपरेशन चला कर देखते हैं। अब मान लीजिए मुझे डिक्शनरी में कोई नया एलिमेंट अपडेट करना है, तो वो भी आप कर सकते हो, डिक डॉट अपडेट। अब आपको क्या करना है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, मान लीजिए एप्पल में जो है मुझे यहाँ पे 500 ना चाहिए होगा, मुझे चाहिए वो एप्पल में 1500, तो देख लीजिए एप्पल में जो 500 वो बदल जाएगा। तो अभी नहीं बदला है, क्यों नहीं बदला है, क्योंकि अभी इसको मैंने प्रिंट नहीं किया है, प्रिंट डिक, देख लीजिए इसने एप्पल में 500 की जगह 1500 कर दिया। अब मान लीजिए इसमें मुझे कोई नया एलिमेंट यहाँ पे डालना है, तो वो भी आप डाल सकते हो, डिक डॉट अपडेट और सिंपल सा वही, और यहाँ पे मैं एप्पल नहीं नया एलिमेंट डालने हैं ना, की भी नया डालूंगा, पेयर भी नया, की भी नया डालूंगा, वैल्यू भी नया डालूंगा, तो भी आप सिंपल तरीके से डाल सकते हो, बस वही चीज़ है, सिंपल सा सिंटैक्स है यूज करो। और यहाँ पे नई वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी, अभी ये प्रिंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी प्रिंट नहीं किया है, और यहाँ पे डिक, और ये देखिए प्रिंट फाइनली फाइनली आपके सामने यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो हमने डिक्शनरी समझी क्या होती है, डिक्शनरी टाइप के डेटाबेस क्या होता है, उसका ऑपरेशन करना मैंने सीख लिया। अब बात कर लेते हैं सेट की, सेट इज इन ऑर्डर एंड मिस्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इंक्लूड विद कर्ली ब्रैकेट्स, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड इन सेट्स। सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड होता है, यानी कि इसमें क्या होता है आपको दो बार यानी कि डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं घुसड़ सकते हो, एक ही चीज एक ही बार आएगी। सेट की बहुत ही बड़ी खासियत होती है, इसको हम हिंदी में समुच्चय कहते हैं, और उसी की पूरी मैथमेटिक्स जो आपने क्लास 12th में पढ़ी होगी आज पढ़ दीजिएगा फिर, चलिए बताते हैं आपको। तो यहाँ पे लेंथ, हम सबसे पहले तो सेट एक बनाकर देख लेते हैं कैसा सेट होता है ठीक है ना। तो सेट
सेटक बनाते हैं। सेट हमने एक वेरिएबल बनाया, जरूरी नहीं कि सेट ही बनाओ, मतलब जो भी बना सकते हो ठीक है ना। मैं सहूलियत के लिए अपनी बना लेता हूँ ताकि पल्ले मुझे पड़ता रहे। तो 1 2 2 2 2 3 4 5 6 सेट बन गया। प्रिंट कर देता हूँ, मैं प्रिंट ऐसे ही नहीं करता हूँ, टाइप भी चेक कर लेता हूँ ताकि टाइप भी पता चल जाए सेट है भी या तो कुछ और है। तो इसने बता दिया कि सेट ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि सेट की लेंथ कैसे देखी जाती है, लेंथ ऑफ सेट वेरिएबल। और मैं प्रिंट करूंगा सेंट को सेट, तो इसने देखी है लेंथ, इसमें मुझे पता चलेगी सेट की कितनी है। और लेंथ, और इसने सेट जो है लेंथ ये बता देगा ऑटोमेटिक। तो अभी मैं यहाँ पे लेंथ इसकी पता करूँगा और यहाँ पे प्रिंट चलाऊंगा। पहले ही लाइन में चलाना पड़ेगा, सेकंड लाइन में नहीं मानेगा और इसीलिए इसने प्रिंट नहीं किया। देख लीजिए 6 इसने बता दिया कि 6 इसकी लेंथ है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि लेंथ तो पता कर ली, अब इसका मिनिमम पता करना है मुझे। मिनिमम, मिन और सेट, और यहाँ पे प्रिंट मैं पहली लाइन में कर देता हूँ वरना फिर ये वही लोचा कर देगा। तो यहाँ पे पिन मिनिमम और प्रिंट कर दिया, 1 मिनिमम वैल्यू है सेट में। प्रिंट मैक्स, और किस सेट में बात कर रहे हो, सेट वेरिएबल देखिए वही चीज़ है, मैक्स कर दिया, 6 इसने बता दिया। अब मान लीजिए इसमें मुझे कोई नई वैल्यू यहाँ पे इंट करनी है, तो यहाँ पे सेट डॉट एड, और यहाँ पे नई वैल्यू मैं यहाँ पे कोई डालना चाहता हूँ सेट में, तो डॉट एड फंक्शन लगाना है और प्रिंट कर देना है सेट में। क्यों सेट मैंने यहाँ पे प्रिंट किया और यहाँ पे जो है नई वैल्यू भी इसमें ऐड हो चुकी है। तो इस तरह से आप कोई नई वैल्यू भी इसमें ऐड कर सकते हो। मान लीजिए सेट को आपको क्लियर करना है तो भी यहाँ पे कर सकते हो, सेट डॉट क्लियर क्लियर, और आपको यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जो है प्रिंट सेट सेट देखिए यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और इस तरह से आप यहाँ पे सेट को भी क्लियर कर सकते हो ठीक है। तो इस तरह से सेट देखिए मेरा क्लियर हो गया, वहाँ पे सब जीरो हो गया, यानी कि अंदर का सारे एलिमेंट हटा दिए। यही होती इसको देखिए, जो 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 इसने अभी जीरो किया ना, यानी कि सेट के अंदर के सारे जो एलिमेंट थे सबको हटा दिया। तो इसको हम नल सेट भी कहते हैं या वॉइड सेट भी कहते हैं या रिक्त समुच्चय भी कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा ठीक है ना, 3 शब्द आपको बता दिए। और नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, मान लीजिए क्लियर हो गया, अब इसे मुझे पॉप करना है तो सेट डॉट पॉप कर देते हैं, यानी कि एक को बाहर हम फेंक देंगे तो वो भी यहाँ पे अब हो जाएगा, हो सब जाएगा। तो बस प्रिंट और यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे पॉप कर देते हैं ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा पॉप फ्रॉम मेन एम्प्टी स्पेस। अच्छा इसमें देखिए मैंने जो अभी सबको जीरो कर दिया ना, एलिमेंट सब डिलीट कर दिए हैं, तो इसलिए अभी ये एलिमेंट जो सेट है वो जीरो हो चुका है। तो अभी ये पॉप करेगा ही नहीं क्योंकि कुछ उस अंदर बचा ही नहीं है, तो उसको सब मैंने डिलीट किया, अब पॉप करेगा। प्रिंट सेट डॉट पॉप, और यहाँ पे देखिए 1 इसने देखिए पॉप कर दिया, यानी कि एक एलिमेंट उसमें बाहर निकाल दिया ठीक है। तो इसने पॉप फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। मान लीजिए इसमें मुझे जोड़ना है, सारे सेट को जोड़ना है, तो सेट सम सेट कर देना है तो वो भी हो जाएगा। तो सम सेट सम, और यहाँ पे सेट, और प्रिंट कर देते हैं सेट को, प्रिंट सेट, और यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पे जो है नहीं, तो अभी यहाँ पे सम नहीं किया है, तो यहाँ पे प्रिंट वाली जो स्टेटमेंट है वो पहली लाइन में चलेगी। जब देखिए काम आपके मन का ना बने तो वो लाइन दरअसल ऊपर नीचे हो जाती है। तो इसमें देखिए प्रिंट जो है, अब यहाँ पे देखिए इसने सम कर दिया, यानी कि जोड़ कर दिया, एडिशन कर दिया, ऐड कर दिया, जो कह लीजिए। अब यहाँ पे हम यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस सबसेट जॉइंट हम देखेंगे, तो उसके लिए हम नया सेट 2 बनाएंगे ठीक है। तो यहाँ पे नया सेट हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू सेट बना लेते हैं, और 2 मैं यहाँ पे सेट बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 6 6 6, तो गड़बड़ हो रहा है। हाँ तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे बी बनाता हूँ, और यहाँ पे 5 6 7 8 और 9, तो हाँ अब ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब इसमें प्रिंट करूँगा ठीक है। अब मैं यहाँ पे ए डॉट यूनियन बी करूँगा, और इसका आंसर क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, और यूनियन दरअसल होता क्या है वो भी बता देता हूँ। अब इसको अब वो वाला यूनियन मत समझ लीजिएगा ठीक है। तो ए डॉट यूनियन बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए डॉट यूनियन बी,
तो मैंने ए डॉट यूनियन बी लिखा। इसका मतलब क्या होता है ए डॉट यूनियन बी? यूनियन का मतलब ये होता है कि ए में कुछ एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, कुछ एलिमेंट बी में प्रेजेंट होंगे, ए से बी में भी कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे। उन कॉमन एलिमेंट को इस सेट अपने में नहीं लेता है, क्योंकि पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि सेट जो है डुप्लीकेट को अलाउ नहीं करता है, तो वो कॉमन जो एलिमेंट होते हैं उसको हटा देता है, बाकी सारे एलिमेंट इसमें ऐड कर दिए जाएंगे। ये 1 से 9 तक जाएगा, आप देखिएगा ये जो है 1 से 9 तक लेकर जाएगा। तो ये क्यों इसने एरर दिखाया है? मीनिंग ही गलत कर दी है, तो गलत दिखाईगा ये, अब हो जाएगा फटाक से नेग्लिजिबल हो गया, ठीक है ना। तो यूनियन इस तरह से किया जाता है। अब इसमें हम जरा इंटरसेक्शन कर लेते हैं। इंटरसेक्शन क्या मतलब होता है इंटरसेक्शन का, वो भी समझ लीजिए। ए डॉट इंटरसेक्शन बी, यानी कि इन दोनों सेट में कुछ एलिमेंट कॉमन भी होंगे तो उनको हम कहते हैं इंटरसेक्शन, यानी कि इंटरसेक्शन कर दो, इंटरसेक्ट कर दो, यानी कि जहां पे दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, या फिर आप ऐसे थोड़ा डायग्राम में भी समझना चाहें, दो बिंदु जहां पे मिलते हैं, दो लाइनें जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि जो कॉमन होते हैं उस जगह का जो पॉइंट है, वो जो कॉमन है उसको हम इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। आप ऐसे आप समझ लीजिए अभी इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि जो कॉमन चीजें हैं उनको बाहर फेंक देगा, और देख लीजिए 5-6 को बाहर कर दिया है, तो ये होता है इंटरसेक्शन। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे डिफरेंस, तो डिफरेंस भी यहाँ पे देख लीजिए, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। तो ए डॉट डिफरेंस बी, ए डॉट डिफरेंस बी, तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है? अंतर यानी कि घटाना। तो ए में जो प्रेजेंट एलिमेंट है और बी में जो प्रेजेंट एलिमेंट है, ए के कुछ एलिमेंट बी में प्रेजेंट होंगे, और ए में जो प्रेजेंट एलिमेंट है, जो बी में प्रेजेंट एलिमेंट है उसको हटा दिया जाएगा, यानी कि ए में जो एलिमेंट है उससे जो है बी में उपस्थित एलिमेंट को घटा दिया जाएगा, और हमारा डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि अंतर यानी कि घटाना यानी कि सब हाँ हो जाएगा। तो देख लीजिए 1, 2, 3, 4 आ चुका है, और उसने जो है घटा दिया है पहले सेट से, ए सेट से बी सेट को घटा दिया है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, डिफरेंस हो गया। अब इज सब्जेक्ट का देख लेते हैं इसका क्या माजरा है। तो ए डॉट इज सबसेट, देखिए इसमें आपको स्पेस नहीं देना है वरना ये एरर कर देगा, मैं बता देता हूँ। तो ए डॉट इज सबसेट ऑफ बी, सबसेट क्या होता है? सबसेट को हिंदी में कहते हैं उप समुच्चय, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि इस सबसेट दरअसल होता क्या है। इस सबसेट का मतलब ये होता है कि मैं देख रहा हूँ ए डॉट इच सबसेट ऑफ बी, यानी कि क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ए में जो ए एलिमेंट में जो उपस्थित एलिमेंट है, ए सेट में जो उपस्थित एलिमेंट है, क्या वो बी सबसेट में है? तो आप बताइए 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे सारे एलिमेंट बी में है? नहीं है, तो ये क्या होगा? ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए जो है वो बी का सबसेट जो है वो नहीं है। तो देख लीजिएगा फाल्स बता दिया है इसने अपने आप, वही मैंने आपसे कहा था कि सबसेट है ही नहीं। अब बात कर लेते हैं डिसजॉइंट की। डिसजॉइंट क्या होता है? तो मुझे इसकी हिंदी नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ डिसजॉइंट। ए डॉट इज डिसजॉइंट ऑफ बी, इसका मतलब ये होता है कि ए सेट में जो एलिमेंट है और बी सेट में जो एलिमेंट है, क्या उनमें से कोई ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में हो? यदि ऐसा होगा तो वो डिसजॉइंट हो ही नहीं सकता, डिसजॉइंट के लिए दोनों में बिल्कुल अलग अलग चाहिए होगा। तो देख लीजिए ये भी फाल्स बता देगा, देख लीजिए फाल्स बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप डिसजॉइंट यानी कि कुल मिलाकर के सेट पर सारे ऑपरेशन कर सकते हो। ये दरअसल और कुछ नहीं, ये दरअसल जो मैथ्स होती है क्लास 12th की, वही है पूरी थी। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये यहाँ पे प्रोग्रामिंग में कोडिंग में काम आती है, ठीक है। तो आज इसका यूज केस पढ़ लिया आपने।